बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले नीतीश कुमार के उस बयान से जिसने पार्टी के अंदर चल रहे द्वंद को कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास किया है। नीतीश कुमार जब आज मीडिया के सामने आए तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैं नाराज नहीं हूं, मेरी पार्टी और इंडी अलायंस दोनों ही इंटैक्ट है, हम साथ साथ काम कर रहे हैं और किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इंडी अलायंस की बैठक के बाद हालांकि सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें लगातार आ रही थी, सवाल उठ रहा था कि नाराजगी नीतीश कुमार की है या नहीं, इसे लेकर खुद नीतीश कुमार कभी मीडिया के सवालों का जवाब देते नजर नहीं आए थे। बीजेपी सीएम नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच खटास की बात बार बार कह रही थी और ये कह रही थी कि 29 दिसंबर की होने वाली बैठक में ललन सिंह को अध्यक्ष के पद से हटाया जा सकता है। ललन सिंह लालू के ज्यादा करीब नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार की नाराजगी इस बात को लेकर भी है, लेकिन आज नीतीश कुमार ने एक साथ कई सवालों के जवाब दिए और अपनी नाराजगी की खबरों पर विराम लगाने का प्रयास किया है। पटिया में कोई इधर उधर है, हमारे पार्टी में सब एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सब एक साथ मिलके हम सब काम कर रहे हैं, अब बहुत अच्छा देख रहे हैं कितना ज्यादा हो रहा है। तो नीतीश कुमार ने सिर्फ नाराजगी की बातों को ही खत्म करने का प्रयास नहीं किया, नीतीश कुमार ने उस सवाल का भी जवाब दिया जिसे लेकर कहा जा रहा था कि जब इंडी अलायंस की बैठक हुई तो नीतीश कुमार जिस लालसा के साथ उस बैठक में गए थे, भले नीतीश कुमार अपनी जुबान से कभी ये न कहते नजर आए हों कि उन्हें किसी पद की चाहत है, लेकिन वो भी एक प्रबल दावेदार अपने आप को मानते तो जरूर हैं, पार्टी के लोगों की राय जरूर सामने आ रही थी, सांसद से लेकर नेता और कार्यकर्ता कह रहे थे कि नीतीश कुमार को बड़ी भूमिका इंडी अलायंस की इस बैठक में जरूर दी जानी चाहिए, लेकिन बैठक खत्म हुई, भूमिका तय नहीं हो पाई और ये नाराजगी की वजह कही जा रही थी। लेकिन नीतीश कुमार ने आज उस सवाल का भी जवाब दिया, उन्होंने कहा कि उन्हें किसी पद की लालसा है ही नहीं, वो सिर्फ इंडी अलायंस को इंटैक्ट रखने के लिए, उसे साथ लेकर चलने के लिए कार्य कर रहे हैं और इंडी अलायंस एकजुट भी है। हमारी इच्छा नहीं थी सब बात तो हमने कहा कि नहीं नहीं हमको नहीं इच्छा है, हम तो चाहते हैं सब लोग एकजुट होइए। अभी हाल में हम मीटिंग में कह दिए हैं कि हर राज्यों का जो तय कर लीजिए, एमपी का जो कुछ भी है सिलेक्ट कर लीजिए और सब एक कर लीजिएगा तो फिर सब लोग तय हो जाएगा तो फिर लड़ेगा आप इसको जहाँ कहीं भी सीट का बट यही हम कहते हैं, हम कुछ नहीं, हमारा कहा गया सर आप नाराज एक बच गलत नहीं भाई गलत है, हम जरा भी नाराज नहीं है, अब कह रहा था उनको हमके ठीक बनाइए जिनको भी बनाइए, हमको नहीं कोई इच्छा है के साथ। हम लोगों का रिश्ता हम लोगों का संबंध हमारा बहुत ज्यादा रहा है, जब हम एमपी रहे तब से, जब उनकी सरकार बनी 9 साल हमको उन्होंने 3 विभाग की जिम्मेवारी दी थी और कितना मानते थे और फिर हमको यहाँ का मुख्यमंत्री बनाने में, तो इसलिए उनका तो जो मेरे प्रति जिसको कहिए कि प्रेम था हमको बहुत मानते और उनके प्रति मेरा बिल्कुल तो एक कहिए कि उनके प्रति आदर का भाव है वो सब जीवन भर रहेगा मेरा।